हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज ब्लॉग। तो पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ हैप्पी श्रावण ऑल ऑफ यू। उसके बाद चलिए बात करते हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैसेज आया था कि दीदी आप क्यों नहीं ब्लॉग बना रहे, ऐसा क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा मैं थोड़ा दिन बस रेस्ट की, क्योंकि अचानक बहन का एंगेजमेंट अभी किसी ने आगे वाला सैटरडे को हुआ था। उसके बाद मैं ससुराल आ गई, उसके बाद इधर उधर करते करते मेरा ब्लॉगिंग की हुई 15 दिन से भी ज़्यादा हो गया। मेरा व्यूज भी घट ही रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो इसीलिए मैं सोची अब चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। काम वाम होते रहेगा, सब चीज होते रहेगा, तो ब्लॉगिंग भी आज से मेरा स्टार्टिंग है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे कि दीदी आप इंगेजमेंट में किसका चॉइस का पहने थे, तो आप लोग को पता ही है किसके चॉइस के पहने होंगे। मैं थी काठमांडू, ये थे बीरगंज। तो ये मेरे लिए ये अपने ही पसंद की साड़ी। अब मैं ऐसा कुछ सोच ही नहीं था कि हम दोनों मैचिंग या ट्विनिंग करेंगे, और हम दोनों वो ट्विनिंग करने के सोच में वो साड़ी और वो लिए थे, और मैं भी लगा ली थी वो साड़ी। कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। पहले तो मुझे नहीं पसंद था, जब मैं लगाई मेकअप वगैरह सब हुआ तो मुझे भी चलो भाई अच्छा लगने लगा। तो आप लोग बोले थे कि दीदी वो साड़ी मुझको हम लोग को जरूर दिखाइएगा। चलिए आप लोग को मैं साड़ी दिखा देती हूँ। साड़ी आप लोग ऑनलाइन भी ये बाय कर सकते हैं। ये इंडिया का ही साड़ी है। सुन के मैं आप लोग को अपना साड़ी दिखाती हूँ। मेरा एंगेजमेंट में जो लगाया हुआ साड़ी वो ये है। मैं पूरा ड्राई क्लीन करवा उगा के रखती हूँ। ये रहा मेरा ब्लाउज, जो कि इन्होंने ही स्टिचिंग करवाने के लिए दिया। मुझे कुछ नहीं पता था इस साड़ी के बारे में। आप लोग को लग रहा होगा ये बोल रहे हैं, ऐसे बोले, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा साड़ी जो मैं एंगेजमेंट के दिन सोच के लगाने वाली थी वो मैं लेकर आई काठमांडू से, जो मम्मी दी थी मेरे लिए, और वो लगा नहीं पाई। ये इनका फेवरेट, इनका खरीदा हुआ, ट्विनिंग किया हुआ ये है। ये रहा मेरा ब्लाउज तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा, एकदम हेवी वर्क है। इसके सब 80 का नाप है, और ये मेरा ब्लाउज। इसके बाद साड़ी तो इतना खूबसूरत मुझे पर्स वाली लगाने के बाद अच्छा लगा, पहले तो नहीं अच्छा लगता। इसका फुल फोटो चाहिए ना इस साड़ी का, तो ये गूगल में इजीली अवेलेबल है। महोत्सव की समथिंग ऐसा ही कुछ करके दिया था। मैं भी यहाँ पर है महोत्सव ग्रुप गूगल में जाके डायरेक्ट महोत्सव सारी वो कीजिएगा, तो ये सारी पोस्ट में ही आएगा। तो मैं तो दुकान से नहीं हूँ, पर ये ऑनलाइन में भी है और जहाँ पर भी है। तो आप लोगों को इतना ही ज़्यादा अच्छा लगा तो आप लोग इजीली ले सकते हैं। कोई भी बोला दीदी आप भेज दीजिए वो वाला साड़ी, तो नज़दीक मेरा था, पास मेरा था, मैं सच में भेज देती, पर उतना नज़दीक भी नहीं है। आप लोग कहाँ सीतामढ़ी के हैं, कहाँ के हैं, और मैं बीरगंज की, यहाँ से जाएगा कैसे, यहाँ से वो होगा कैसे, इसलिए सॉरी। पर आप लोग को चाहिए तो महोत्सव गूगल में जाकर महोत्सव सर्च कीजिएगा, और इससे भी अच्छा साड़ी, इससे भी अच्छा नहीं, ये ऐसा, और इससे ऐसा कॉलर वाला, मतलब दूसरा कॉलर, इससे भी अच्छा, इससे हेवी, इससे सिंपल, सब टाइप का वहाँ पर है। सो आप लोग इजीली जाकर ले सकते हैं। और आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मुझे पता है, इसलिए मैं पूरा मन तन के आई हूँ आप लोग को मनाने के लिए। मैं ब्लॉगिंग करने का मन था, पर ऐसा हो जाता है ना, लाइक डायरेक्ट वहाँ से उतना दिन के बाद मैं ससुराल आई, उसके बाद आते आते फिर मैं ये वो मैं लगने लगी मम्मी के साथ सासू माँ के साथ कुछ टाइम बिताया, कुछ टाइम दीदी से, तो ऐसे वैसे करते करते मेरा 15 दिन ऐसा ही लॉस हो गया। पर अब मेरा ब्लॉगिंग रेगुलर नहीं भी रहेगा तो कोई ओकेजन हो, या सोमवारी का व्रत का क्लिप पूरा कर ली थी, उसके बाद मेरा ऐड ही नहीं हुआ। मैं सोची थी रखने वाली थी पर नहीं हो पाया, इसीलिए नहीं हो पाया, पर कोई बात नहीं। तो इसलिए अब मेरा ब्लॉगिंग घर में से रहेगा, मतलब आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा ब्लॉगिंग देखना, मेरा बोलना सबको अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता था मेरा बोलने के कारण ही मेरा ब्लॉगिंग फ्लॉप होगा, पर मुझे बहुत मैसेज आया था, यूट्यूब में ही मैसेज आया था, आई लाइक द वे यू टॉक, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के ना, बहुत मोटिवेशन वाला फील होता है। और मैं ब्लॉगिंग तो आप ही लोगों के कारण कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे दीदी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। पर उस दिन मेरा ये वो हो गया, पर कोई नहीं, अब मेरा ब्लॉगिंग रेगुलर रहेगा। सो आप लोग भी अपना प्यार सपोर्ट ऐसा ही बनाए रखिए। मेरा वॉचिंग आवर कितना 2.1 के जितना हो गया था उस टाइम, अभी इतना लेस हो गया, 1.5 के में चला गया, बहुत
अच्छा नहीं लगता है जब इतना मेहनत से ब्लॉगिंग करो और उतना आ जाए और फिर बीच में मिस करने के कारण मेरा ब्लॉगिंग में वाचिंग आवर भी घट गया, व्यूज भी घट गया, पर कोई नहीं, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मेरे व्यूज वाचिंग आवर आराम से बढ़ेगा। अब तो बढ़ते ही जाएगा क्योंकि अब मैं अपना ब्लॉगिंग नहीं मिस करने वाली, अब वीडियो ब्लॉगिंग मेरा रेगुलर रहेगा। सो थैंक यू इतना ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए और इतना ज़्यादा मैसेज करने के लिए। आप लोग मेरा कितना पर्व है मुझे नहीं पता था आप लोग इतना तक साथ देंगे। सब मुझे लाइक पर डे 2-3 मैसेज आता ही है कि दीदी क्या हुआ है, सब ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही है, ये क्यों नहीं कर रहे, आप लोग आप कितना बोले थे आप शेयर कीजिएगा। तो मेरा गोल्ड ज्वेलरी शेयर करूंगी, पर मेरा गोल्ड ज्वेलरी तब शेयर करूंगी जब मेरा 3K हो जाएगा। तो 1K में मैं अपना बोली थी 1K में मैं अपना शेयर करूँगी, मेरा जब भी 10K होगा तो मैं अपना गोल्ड ज्वेलरी शेयर जरूर से जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, मेरा लव स्टोरी मेरा और उनका। उनके पास अभी टाइम नहीं, वो ज्यादा अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है, पर मैं अपना टाइम निकाल के हम दोनों अपना लव स्टोरी वाला शेयर करेंगे, हम लोग का लव मैरिज है या अरेंज। बहुत लोगों को पता है हम लोग का एग्जैक्टली क्या है, और जो जो लोग को नहीं पता है वो ब्लॉग देखकर आप लोग को पता चल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसा ही प्लीज 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 अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। पहले जैसा ही मैं अच्छा सा ब्लॉग बनाकर लेकर आऊंगी आप लोग के साथ। थैंक यू।